स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है, कितने मुतमईन हैं आप इस पे? देखें, मैं पहले से कहता था ये कोरोना वायरस नहीं था, उस वक्त भी हम कहते थे कि ये शराय सूत इन्होंने रखी हुई है, ये सही नहीं है, ये मुल्क के नुकसान दे है और इनको सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स में जाना चाहिए, ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। मगर अब दुनिया में कोरोना वायरस ने एक कुदरती एक सिस्टम ऐसा कर दिया कि इन्फ्लेशन सब नीचे जा रहा है और बहुत ही हालात खराब है, इकोनॉमिकल हालात खराब है, और इस सिचुएशन में सारे मुल्क जो अच्छे सूट में भी थे वो भी नीचे जा रहे हैं। इजिप्ट जिसका ये एग्जाम्पल देते हैं, वहाँ पे 13% था, वो 10% पे आ गया। मैं समझता हूँ हमें भी कम अज कम सिंगल डिजिट पर लाना था इनको, मगर इन्होंने भी किया। क्या लगता है कि हुकूमत जिसके पास मौका था कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कम तरीन सतह पर हैं, 20 साल की गालिबन कम तरीन सतह पर हैं, तो इस मौके से तो फ़ायदा उठाकर ये बराह रास्त फ़ायदा आवाम को मुंतकिल कर देना चाहिए था, और फिर ये कोरोना के मामले को देखते हुए अगर इंटरेस्ट रेट भी जैसा आप कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट में ले आते तो इससे कम अज़ कम आवाम का एतमाद भी बहाल होता और लोगों को थोड़ी आसानी भी हो जाती। जो हालात है देखे, इस वक्त तो इनका करना ना करना कोई वैल्यू नहीं रखता, मगर जो हालात है और जो ये कोरोना की वजह से जो हालात हो रहे हैं और पाकिस्तान में अभी रिएक्शन अभी बढ़ रहा है, ये तो मेरा ख्याल से बहुत हालात खराब है, इनको कर देना चाहिए था और डेफिनेटली पास ऑन करते, थोड़ा सा पब्लिक को रिलीफ मिलता। मगर ये मेरी समझ में बाहर है, कभी कभी ऐसा लगता है वो रस्सी जल गई। आईएमएफ की तरफ क्यों देख रही है हुकूमत के वहां से अगर कोई रियायत मिल जाए तो फिर हम, यानी वहां से कर्जे कुछ माफ हो जाए तो फिर हम कुछ कमी कर दें, आपको लगता है ऐसा मुमकिन है? भाई वो देखो ना, उनको असल में जो हालात का फायदा उठाना नहीं है ना जी, इनको भिखारी रहना है।